एक तो आईटी के पीछे मैं लगा हुआ था कि आईटी को स्टार्ट करने 4 to 7 इसका टाइम रखा था। अभी सिर्फ मैंने जो है लाहौर में स्टार्ट की है, एशियन फूड लाहौर में 4 से 7 इसकी टाइमिंग है। ये बड़ा चैलेंजिंग था कि 4-5 दिनों में सोचा और 4-5 दिनों के अंदर इसको करना था। अब अल्लाह खैर करेगा, आज क्या हालात रहेंगे वो जाके मैं देखूँगा। तो आज का दिन ही है, आज की डेट है जिससे स्टार्ट हो रही है। बाकी ये जो बंदे हैं मेरे, ये गए थे एक ट्रक डाइट होटल पे गए थे खाना खाने के लिए, तो इन्हें बड़ा पसंद आया। इन्होंने कहा कि ये जो है ना वुडन कुक चीज़ हमारे पास भी होनी चाहिए, तो मैंने ना उसका भी एक प्लान बनाया है, तो मैंने उसको भी ना स्टार्ट करना है, उसको अपनी रूफ टॉप पर मैं स्टार्ट करूँगा, वो मैंने सोच लिया है। कोई बंदा भी आपको जो है आइडिया दे सकता है, कोई बंदे किसी बंदे की आप ये ना सोचें कि कौन बंदा बोल रहा है, कौन बंदा बात कर रहा है। आप ये देखें कि आइडिया में अगर दम है, कोई चीज़ है, तो उसको एग्जीक्यूट करने वाला करे। तो मैं एग्जीक्यूशन की तरफ जाता हूँ, बाकी अल्लाह वारिस होता है, गलतियाँ भी हो जाती हैं इंसान से, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। वो आप तख्ते के ऊपर कर लो, वो जो आपके लकड़ी का पड़ा है, जरूरी नहीं है उसके लिए कहता हूँ। चार और ये इसका जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो कुछ बनवाई है। दो मट्टी की मंगाओ तुम, ठीक वो मट्टी के जैसे भी बर्तन मंगा लो, ये दो आएंगे इस क्रोम कलर के। मैंने तरीकाकार होता है ना हाइटी का, उसका ये है कि वेलकम ड्रिंक होगी जिस तरह कस्टमर आके बैठेगा एक एक। आप मिट्टी वाले को कॉल करो ना, बर्तन लगाओ। सर इतनी हड्डी होती है मुझे, जैसे ही ये काम खत्म होगा मुझे डिमांड का सारा बता देना। क्या हलवा उसको शादीन को कॉल करो, लब्बे श्री बनाए हलवे वाले को कॉल करो, हलवा बना ले। कह रही हैं कि 8 ये वाले काम में कितने पैसे चाहिए, दूसरी प्लेट उसके ऊपर हो जाएगी, उसी का जो चीज़ बोली है ना वो भेज रहे। कितने पैसे दें आपको? अब यूं करो, आप इधर हाइटी में देखो को मसले मसाइल उसको दूर करो। अच्छा, बस अभी हाइटी वाले चक्कर से निकला हूँ बाहर। अब वो जो अगला प्लान किया हुआ है कि हमने रूफ टॉप के ऊपर कोई काम करने हैं, तो वो रूफ टॉप वाले काम के चक्कर में अभी मैं जा रहा हूँ ज़रा सब्ज़ी मंडी वाली साइड पर जा रहा हूँ, और वहाँ कुछ चीज़ें हैं वो लेनी पड़ेंगी, वो भी इमीडिएटली प्लानिंग। क्यों इमीडिएट क्यों है, आगे ईद आ जानी है, ईद आ जानी है, वैसे भी ये मटन का काम जो है वो डाउन हो जाता है, उससे पहले पहले हमें एग्जीक्यूशन करनी है। हाँ लंबा करते जाएं तो ये लंबा होता चला जाएगा, तो उस काम को भी जल्दी से रूफ टॉप को ज़ीरो से मैं इंशाल्लाह आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा काम। इमरजेंसी के हम हालत में हैं, हाइटी स्टार्ट होने में इस वक्त 1:30 बज गए, 4 बजे स्टार्ट करनी है, तैयारियाँ करनी हैं। अभी मैंने यहाँ से इतने किलोमीटर, 1 घंटा आने जाने का मेरा सफ़र है, वहाँ जाने टाइम कितनी किल्लत है। और ये बंदा जो है इसने फालसे खाने, ये फालसे के लिए गुलबर्ग में गाड़ी टर्न कर रहा है, और ये फालसे खाने के चक्कर में इतनी इमरजेंसी के बीच में फालसे में याद है, काम नहीं याद हमें जी। दिल बंदा है, दिल कर बंदा है फालसे तो नहीं दिल तो कर दे, लेकिन अब आगे टाइम भी तो देखो ना, टाइम इमरजेंसी बड़ी खड़ी है, एमरजेंसी छोड़ के ले ले यार जा जल्दी, तू तो खुद जा, तुझे वो सही डाल के देगा काली कलर से ले ले। यार है ना मोटे मोटे दाने ने पाने ने फालसे दे ना, देखा ही फालसे अच्छे ना पहले दिन देसी है ने, लेकिन दूसरे हैदराबाद दे अंदर अच्छे दे दे कोई यार ना की रेट दे रहे हैं? ये 200 रुपए दे पवा ने, 800 रुपए की रेट है 200 रुपए को क्या हाल कर यार, 800 रुपए किलो तो कुछ तूरी बेच रहे हैं यार तू, 800 रुपए किलो हैं साढ़े मुल्तान ने पाई होते 150 रुपए किलो ने, 800 रुपए किलो यार तू गड्डी देख के मैदान लवांदे ने किलो ला यार चल 500 ला ले है
वारे नहीं है यार, समझ नहीं आती मैं तेरी। भाई इतने 400 रुपये किलो तो खड़े हैं, ये छान मीन के फिर लाई दे। मेरी गल सुन, बारो से बार आ चैन चो 450 रुपये किलो तो वो है, तो तू फल फिर बना दी 800 रुपये अपनी जगह से अपनी। लाहौर 800 रुपए किलो फल से कोई अग लग गई परसों। ट्रक तो मुल्तानो आया तो मैं 150 रुपए किलो लाए ने, 30,000 रुपया अगले ने किराया दिता गड्डी देने करने। फालसी ले लेते देख लो लाहौर का यह हाल है, ये 800 रुपये किलो सू मिल रहे हैं, फिर वो धो के बड़ा मुश्किल आते मिनटर ने किते ने 600 रुपये किलो ने लैने, बंदे साथ ही कौन लुटी जाते हैं। सारे एक जैसे है, कोई नहीं है, मिट्टी वाले सर जी, बस पानी नहीं है सर जी, मिट्टी खानी चाहिए। नहीं, एमरजेंसी में फालसे लिए हैं मिट्टी से भरे हुए, अब इनको पानी नहीं मिला, इनका बस नहीं चल रहा कि काम छोड़ दें और पानी जो है मुझे कहते हैं नहर के पानी से धो लेते हैं। नहर का पानी ठीक है सर जी, अगले दौर बंदे पी लेने सर जी पानी पी लेते हैं, सारी आवाम इसमें नहा रही है ताकि बंदा मिट्टी वाले ही खा लो, वो सही है, मैं नहीं खा रहा। हम ऐसे काम करते हैं, ये हमारी जो है ना इस तरह प्रायोरिटी होती है काम की। क्या हो गया डबल इंडिकेटर? ये है तो मैं डबल इंडिकेटर क्यों तेरा दिमाग पे फाल से चढ़े हुए, डबल इंडिकेटर क्यों नजर आ रहे यार? जल्दी करो अल्लाह के बंदो, जल्दी करो यार, आप बिल्कुल इजी देके बैठे हुए हो हर चीज़ को, मैं टाइम का मेरे लिए मसला हो रहा है, टाइम का मुझे इतना इशू है। हम ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने पानी देखा है, वहाँ पे कहते हैं फाल से पानी देखे को छोर देखे तो सारे समय चले जाने यार, भाई पानी कोई नहीं, बॉस रूम बड़ी जल्दी है, फल से अद्धे थले डुल गए, 600 रुपये 300 रुपये का नुकसान पे हो गया, सानू लुट लिया फल छाने लेने यार। आजो यार आजो रमजान भाई, बहुत गुस्सा कर रहे ने यार, हम अब फालसे खाने ने बहुत गुस्सा कर दिया, कर दे यार तू, मेरा जी कर रहा फालसे खाने, हम मिट्टी वाले भाई खाने ने फालसे इतने यार, अपनी तो खैर खा लाँगे तो बॉस को मिट्टी वाले यार नहीं खाने। अज सर जी लुट लिया फालसे आने ने, फालसे सारे नरम हो गए सर जी, मिट्टी बहुत। अब बात मेरी नहीं मान रहे थे ना, मैंने कहा काम का टाइम है, अब काम के टाइम में थोड़ा हौसला करके बाद में बंदा ले रहा है। ये बनाते हैं मैं आपको इसलिए टैक्स 70 रुपये दो शीटा ने सामने वाली दी, यानी किचन चाहिए ने ते दो जड़ियां ने ना बारबेक्यू दी वो चाहिए। ये बंदे जो है ना की टाटा सिर्फ टेन ठीक है, मैं कह रहा गल मान नहीं रहा, 3,00,000 वसूल मैं जानी है पोस्ट मिल जाएगी मैं। अच्छा फिर रोला की है मेरे को तो कस्टमर आ जाएंगे, फिर पता नहीं लगना कि टाइम आ गया ना तो फिर की करांगे, जुम्मा ओके है ना इंशाल्लाह। चलो बस ठीक, असी हफ्ते आधी पोस्ट पा रहे हैं, आ जा पहला बंदा जेडे ने कहे ओके।
वापस जाना है होटल। स्टार्ट होने अभी फ्री के दस इधर बता दें ये बारबेक्यू चल रहा है, ये हाई टी जो है 4-5 दिन पहले जहन में आई है, अल्लाह ताला ने सारी तैयारी करवा दी है, अल्लाह चला भी देगा इंशाअल्लाह। अच्छा 4 बजे शुरू होना था, 4:10 हो गए अभी तक सेटअप स्टार्ट नहीं है, पहला दिन है इंशाल्लाह ये हो जाएगा। बाहर वेटिंग लग चुकी है अभी और हमने कहीं भी अपने पेज के अलावा किसी जगह पे प्रमोट नहीं की इस डील को, और ये हाई टी का पता नहीं लोगों को उसी पेज से पता चला लेकिन वो आ गई। बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको भी सारी चीज़ें चेक कराते हैं। सॉस जो है सूप के सोया सॉस हो गया, चिल्ली हो गई, वो तक हो गया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। आज देख सकते हैं आप एच एन फूड में हाई टी स्टार्ट हो चुकी है और माशाल्लाह हर बार की तरह इस दफ़ा कीला पाक का हम पे बहुत बहुत गर्म है। ये आप कैमरा घुमाएं, देखें बहुत करेंगे। और आप सबसे भी गुजारिश है इंशाल्लाह आप भी तशरीफ़ लाएँ, अच्छा टेस्ट है, अच्छा मेयार है। शुक्रिया बहुत। हाई टी हमने आज फर्स्ट डे था, हमने हाई टी आज स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम फ्रेश एक एक चीज़ लगा के दे रहे हैं, तो जो जो चीज़ साथ साथ हम गर्म से गर्म हम गेस्ट को सर्व कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना यहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं, 1000 पीस हमने इसका पर हेड रखा हुआ है। तो एनी वे थैंक यू इंजॉय के लिए सब लोग। भाईजान असी लाई आई टी चाह शाह कहते हैं, इंशाल्लाह आज पहला दिन थी, माशाल्लाह अंदर हाल भर गए ने, शुक्र है अलहमदुल्ला। तो कोई लोगों की दुआव भी हैं भरावान दिए वर्गे दी, तो माशाल्लाह सानू बड़ी खुशी, साढ़े बॉस का कम अज पहले दिन ही आई टी का कम माशाल्लाह और टॉप पर जा रहा है। पर दुआ कर रहे हैं कि इस तो भी होर ज़्यादा हो गए। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी है, अच्छी आई टी। ये प्रॉपर का खाना शाना बताएं जरा कैसा खाना रहा जी? माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना है जी, सर्विस वगैरह क्या? सर्विस भी अच्छी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बाकी जो रेस्टोरेंट से नहीं नहीं, नहीं बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है। लाहौर में इस वक्त सबसे बेस्ट आईटी यही है।
अभी मैं बाहर निकला हुआ, चीज़ें हमारे पास जितनी थी गाड़ी स्टार्ट वो सारी रन आउट होना शुरू हो गई। अभी हम यार गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी से जा के ले के आओ, सारा दिन फाल से खाते रहते हो, सामान ख़त्म हो गया, ले के आओ। जी सर जी, अभी आया, अभी आया, कार्ड लिए मेरा कार्ड लिए। बस अभी बिल्कुल मेरी ना रात भी नींद नहीं पूरी हुई, और अभी भी अब देखो मैंने 6 दिन के अंदर सोचा है, 6 दिन के अंदर अंदर मैंने फैसला किया, फैसला करके मैंने हाईटी लगा दिया है, बर्तन भी जाके खुद ख़रीद लिए, ये क्रॉकरी जो है वो मैंने खुद ले लिया है, चीज़ें भी मैंने खुद सेटल डाउन कर ली हैं। ये सब किया तो अल्लाह ने है, तो मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि जो चीज़ होती है उस पर फैसला किया करें और उसे शुरू किया करें। खत्म हो गया सर जी, बंदे भेजे ने दुकान बंद करवा के छोड़ेंगे जो है ना, अब एक जो है ना ब्रांच इसके बाद डिफेंस में भी करवाएंगे भाई। ये हम कहते हैं ये चलती रहेगी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो है ना वे जो लॉन्ग टर्म प्लान है, दो ब्रांचेस है ना काम जरा डाउन हो, यानी नींद पूरी नहीं है भाई, 4 बजे गए हैं, 9 बजे फिर आ गए। पंप पे आवा ना, इतना पंप पे अपना डीजल पंप पे, फिर पंप पे आओ डीजल फुल कराओ, चलो उस तो बाद फिर एदा मोबाइल चेंज कराना आज भाई जान, फिर जड़े ना टेक पैंदी पई है, हुण पता को नहीं मैं गड्डी चलानी किवें, सुबह 7 बजे का जाग रहे 6 बजे का, गर्मी च नींद कोई नहीं पाई है, हुण मेरी जान छड़ा दिओ, ए तो मेरी जान छड़ा दिओ, खुदा तुहाडा भला करे। ਗੁੜਖਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁੜ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੁਣਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਇਸੀ ਗੋਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਛਾਪਾ ਰੱਖਿਆ ਗੁੜ ਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਪੈਂਦੀ ਥੋੜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਯਾਰ, ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਅਨਸਰ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਯਾਰ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਡਿਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਨਸਰ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਭਾਈ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਈ, ਬੌਸ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈ ਅਨਸਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਖੋਲ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੂੰ, ਇਨਸੇ ਵੀ ਆਪ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ। ਇਨਸਾਨ ਆ ਮੈਂ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ, ਜਿੰਨ ਵੀ ਝੱਟ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੌਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਣੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਸੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਗਰਮੀ ਸੀ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿੰਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਫਾਲਸੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਏ ਜੇ, ਧੱਕੀ ਭਾਈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜੇ ਕਰ ਤੱਕ ਸੀਟੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਰਫ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਭਿਜਵਾਉਣੀ ਆ, ਠੰਡੀ ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ ਭਜਨ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਐਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਆਈ ਟੀ ਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਸ਼ੰਮ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਹੋਇਆ ਅਨਸਰ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਟਰੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ, ਮਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਮਾਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਆਇਆ ਪਰਾਡੋ ਪਨਠਾਈਏ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਰਾਤੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਦਿਨੇ ਬੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਬੱਸ ਸਕੂਲੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਬਹ 7 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਔਰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਲੈ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਜ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੋਣ ਡਿਆ ਅਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਜ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਪਰਸੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਹਿਬ ਗਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ।